अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? पावर प्ले हॉस्पिटैलिटी में आपको वेलकम कहता हूँ आज। और आज की मेरी वीडियो जो है वो बहुत ही मोटिवेशन के ऊपर है, और उन लोगों के लिए है जो लोग हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर आते हैं, एक रेस्टोरेंट किसी होटल को ज्वाइन करते हैं, साल 2 साल अच्छा काम करते हैं, और उसके बाद वो एकदम से जब किसी दूसरे कैंडिडेट की प्रमोशन हो जाती है तो उस पे आके वो बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं। इवन के वो कहते हैं कि जी हम अब रिज़ाइन करके जा रहे हैं। तो इसके लिए मैंने बहुत लोगों को मैंने देखा है कि वो फिर रिज़ाइन करके किसी और ब्रांड को ज्वाइन करते हैं, और वहाँ पर भी वो स्ट्रगलिंग पोजीशन में रहते हैं, क्योंकि वो एक हॉस्पिटैलिटी के अंदर उन्होंने साल 1.5 साल जो है वो काम किया होता है और बड़ा अच्छा काम कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक से वो कहते हैं कि मेरा भी वही रिज़ल्ट थे, मेरे रिज़ल्ट अच्छे थे, उसके रिज़ल्ट अभी वैसे ही थे, पर उसकी प्रमोशन हो गई, मेरी प्रमोशन नहीं हुई। तो ये बहुत ज़्यादा होता है इस इंडस्ट्री के अंदर। तो इसके लिए ये है कि मैंने इसकी एक मोटिवेशन स्पीकर की स्पीच सुनी थी, जिसको मैंने होल्ड इसके अंदर मर्ज करके आपको बताता हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी ऐसे ही है जैसे आप एक कोई लाइव क्रिकेट का मैच देख रहे हो, ठीक है, और एक क्रिकेट मैच चल रहा है और उसके अंदर समझे कि आप विकेट के ऊपर खड़े हैं और आपके पीछे स्टंप भी नहीं है, ना कीपर है और ना ही फील्डर है, ठीक है, और बॉलर ने बॉल की और आपने शॉट की ट्राई की और गेंद मिस हो गई। ये गेंद नहीं थी, ये अपॉर्चुनिटी थी, मिस नहीं होनी चाहिए थी लेकिन मिस हो गई। तो इससे क्या हुआ, ना तो आप आउट हुए ना तो आप कैच आउट हुए, क्योंकि इसकी तो ऑप्शन ही नहीं थी, ठीक है। तो क्या हुआ, आपने एक अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये अपॉर्चुनिटी आपको दोबारा नहीं मिलेगी। इसके लिए क्या है कि आप जो दूसरी बॉल आ रही है उसकी लाइनो लेंथ पे आए। लाइनो लेंथ क्या है कि अपने रिजल्ट्स को देखें कि आपके रिजल्ट किधर हैं, अब आपने क्या करना है, अब आपने क्या नहीं करना, लास्ट बॉल की जो अपॉर्चुनिटी थी वो क्यों मिस हुई थी, वो दूसरे बंदे को क्यों मिल गई, वो मुझको क्यों नहीं मिली। तो इसके ऊपर आप क्या करेंगे, आप दोबारा प्री प्लान करेंगे, ठीक है, और उस अपॉर्चुनिटी को दोबारा जो है वो हासिल करने की कोशिश करेंगे। और फिर इसी तरीके से जब बॉलर ने दूसरी बॉल की और आप खेल रहे हैं और वो बॉल भी आपसे मिस हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जो है वो अपॉर्चुनिटी भी मिस कर दी तो आप डिमोटिवेट होकर रिजाइन कर दें। आपका विकेट पे खड़ा होना जरूरी है, आपका पिच के ऊपर खड़ा होना जरूरी है, ना तो पीछे स्टंप है, ना तो पीछे कीपर है, ना तो फील्डर है, एक बॉलर है। ये बॉलर वो है जो कि आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है, और एक आप हैं जो उस अपॉर्चुनिटी को हासिल करना चाहते हैं, लेकिन क्या है कि आप उसको हासिल नहीं कर पा रहे। लेकिन जब तक आप विकेट पे खड़े हैं आपके पास ये चांस है कि आप उस अपॉर्चुनिटी को हासिल कर लें। तो क्या करते हैं आप, आपका विकेट पे खड़ा होना जरूरी है, यानी कि आपका परफॉर्मेंस देना जरूरी है, आपका जॉब के ऊपर रहना जरूरी है, आप वहां पर रह के परफॉर्म करके नेक्स्ट अगर अपॉर्चुनिटी आपको तीसरी अपॉर्चुनिटी आई है, बॉलर ने बॉल की है और आप विकेट पे खड़े हैं और अब आपके रिजल्ट आपके हाथ में, हर चीज आप समझ गए हैं, लाइनो लेंथ की आपको पता चल गया है और आपने तीसरी बॉल पर सिक्स यानी कि अपॉर्चुनिटी आपने गेन कर ली। किस तरह गेन की, क्योंकि आपने वहां पर ठहर के रेस्टोरेंट के अंदर परफॉर्म करके अपना सारा काम ठीक करके, जो दो बॉल्स में लास्ट टाइम आपकी लाइनो लेंथ में आप समझ नहीं पाए थे चीजों को, वो आपने नेक्स्ट उसको कवर किया और प्रमोशन आपके पास आ गई, देर से आई लेकिन आई जरूर। इसमें ये नहीं करना कि आपने डीमोटिवेट हो जाना है कि जी मैं रिजाइन कर रहा हूं मैं जा रहा हूं। अगर आपको पास अपॉर्चुनिटी कोई आती है और वो आपसे मिस हो जाती है तो आप मजीद मेहनत करें, मजीद अपने स्किल्स को ग्रूम करें, मजीद आप बैकफुट पे जाएं और देखें कि मुझसे कहाँ कहाँ गलतियां हुई हैं, ठीक है। इन चीजों को कभी ना सोचें कि यार उसकी प्रमोशन हो गई, उसकी हो गई, मेरी क्यों नहीं हुई, आपकी भी इंशाल्लाह एक दिन होगी। हॉस्पिटैलिटी के अंदर रहना है आपने तो आपको मोटिवेट रहना पड़ता है, ठीक है, और आपको मुकाबला करने के आपके अंदर विल पावर होनी चाहिए। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो है नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, लेकिन इसमें हम अब थोड़ा सा मिक्स कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि अब मैं एक जो है अपनी वीडियो प्रोडक्शन पे दूंगा, एक मैं सेल के ऊपर दूंगा, एक मैं कस्टमर पे दूंगा और एक मैं अपनी प्रॉफिट के ऊपर जो है किस तरीके से उसे इंक्रीज करना उस पर दूंगा, ताकि आप लोग भी जो है इस चीज़ को अच्छे तरीके से एंजॉय करें और हर चीज़ पर आपकी अच्छे तरीके से ग्रिप हो। थैंक यू सो मच, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो के साथ।